जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केसर छत्तीसगढ़िया में। दोस्तों, सांप डरने से ज्यादा समझने की चीज है। इसी क्रम में हम आपके पास एक अद्भुत चमत्कारिक सांप लेके आए हैं। अद्भुत चमत्कारिक कहने का कारण अभी आपको सांप स्पष्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा सांप है जिसको लेके सबसे ज्यादा बातें लोगों के बीच की जाती है। ये इन सांपों में मणि होता है, जैसे नाग में कहा जाता है। ये सांप खेतों को, मेड़ों को, तालाबों को तोड़ फोड़ देते हैं। इस सांप के पूंछ में डंक होता है, जिसके एक डंक से आदमी धीरे धीरे गलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये जहाँ से चल के जाते हैं वहाँ की वनस्पति खेती सूख जाती है। ये सांप जब बड़ा हो जाता है तो लाखों करोड़ों में बिकता है। ये सांप सूरज को भैंसुर मानता है, इसीलिए सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मणि की बात करेंगे। सांप में अगर मणि हो तो सांप के जीवन में उसका औचित्य होगा। कहने का मतलब, सांप के जीवन में उस मणि का महत्व होगा, उस मणि के बेस पे अपने जीवन को किसी तरह आसान कर पाता होगा, अन्यथा मणि उसके जीवन में क्यों ही होगी भला। तो अगर हम ऐसा लोगों को पूछते हैं कि सांप में मणि होता है तो सांप उसका क्या उपयोग कर पाता है, तो लोग बताते हैं कि सांप मणि को निकालता है और उसकी रोशनी में जितने कीड़े मकोड़े आते हैं उसे खाता है। तो सबसे बड़ी बात, जो सांप बड़े होते हैं वो कीड़े मकोड़े नहीं खाते, अपने साइज के हिसाब से शिकार करते हैं। जैसे ये बैंडेड क्रेट, इसका पसंदीदा आहार होता है दूसरे जहरीले सांप। और सबसे सोचने वाली बात यह है दोस्तों, कि जो सांप रात के अंधेरे में सारी जगह आसानी से घूम फिर सकता है, वो जब भोजन करने वाला होता है, शिकार करने वाला होता है, तो उसे किस तरह की रतौंधी हो जाती है। तो ये बिल्कुल हास्यप्रद बात है, इसमें आप जरा भी विश्वास ना करें। ये फिल्मों में, धारावाहिकों में इस तरह के अंधविश्वास को परोसा गया TRP के कारण, और हम लोग आज तक इसके पीछे दौड़ते रहे। दूसरी बात, ये इसके पूंछ में डंक होता है और ये अपने पूंछ के दम पे खेतों को, मेड़ों को तोड़ देता है। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ, कि ये मेरे दो उंगली के ग्रिप को अपने शक्तिशाली, जैसा कहा जाता है कि खेत तोड़ देने वाले शक्तिशाली होने वाला सांप दो उंगली के बीच से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है, तो हम अंदाज कैसे लगाएं कि ये किसी मेड़ को तोड़ फोड़ पाएगा। और इसी के साथ, अगर इसके पूंछ में डंक हो तो वो दिखता, पास से दिखा दीजिए कैमरामैन, इसके पूंछ को दिखाइए कि डंक कहाँ पे है। बिल्कुल भी डंक नहीं है। अगर डंक होता तो हम रेस्क्यूअर इसे पूंछ से पकड़ ही नहीं पाते। अब हम बात करते हैं इसके लाखों करोड़ों में बिकने की। तो हम जैसे भारत में लाखों रेस्क्यूअर हैं, अगर इनका लाखों करोड़ों मिलता तो कई रेस्क्यूअर करोड़पति होते। हम रेस्क्यू करने हेलीकॉप्टरों में लोगों के घर जाते। अब हम लास्ट बिंदु पे बात करते हैं कि ये सूरज को भैंसुर मानता है, इसलिए ये दिन में नहीं निकलता, और इस वजह साथ ही कहा जाता है दिन में ये सांप देख नहीं पाता। हमने इसका सवेरे ही रेस्क्यू किया है, हालांकि विकास क्रम में इसने खुद को ढाला है। रात में ही ये निशाचर है, कहने का मतलब रात में ही निकलते हैं, जिसके पीछे की वजह यह है कि हम इंसानों से ये बच पाए और रात को टेम्परेचर भी कम होता है। अब ये जो रात को नहीं निकलते और नहीं चलते, अभी आप इसको स्वयं देखेंगे रात दिन के उजाले में भली भांति चलते।